हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिस्क फाइनेंशियल स्ट्रेटजी कंसल्टेंट्स। आज के वीडियो में हम CFA लेवल 3 की रीडिंग नंबर 7 का LOS 1 पढ़ेंगे। ये रीडिंग बिहेवियरल फाइनेंस टॉपिक की फर्स्ट रीडिंग है और इसके हम LOS 1 के बारे में पढ़ेंगे, जहां हम ट्रेडिशनल और बिहेवियरल फाइनेंस के पर्सपेक्टिव में जो डिफरेंसेज है उनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जब हम बात करें कि बिहेवियरल और ट्रेडिशनल फाइनेंस में बेसिकली डिफरेंस क्या होता है, तो ट्रेडिशनल फाइनेंस में ये होता है कि इन्वेस्टर को किस तरह या एक इंडिविजुअल को किस तरह बिहेव करना चाहिए, इस कॉन्सेप्ट पे बना है ट्रेडिशनल फाइनेंस। जबकि बिहेवियरल फाइनेंस रियलिटी बताता है कि एक्चुअली एक इंडिविजुअल मार्केट में किस तरह बिहेव करता है। तो ट्रेडिशनल फाइनेंस का मतलब यह है कि सबसे पहले एक इंडिविजुअल जो भी है वो एक रेशनल इन्वेस्टर होता है, जिसको सब चीज़ का सही से नॉलेज है, सारी इन्फॉर्मेशन उसके पास है और वो रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन को आइडेंटिफाई करके ही डिसीजन लेता है। दूसरी बात होती है कि वो रिस्क एवर्स होता है। रिस्क एवर्स के बारे में हम और डिटेल से इस वीडियो के एंड में बात करेंगे, तो अभी वहाँ पे उस पर डिटेल में नहीं जाते। और तीसरी बात होती है कि वो सेल्फिश होता है, यूटिलिटी मैक्सिमाइजर होता है, यानी कि वो हमेशा उन ऑप्शंस को चूज करेगा जिससे उसको मैक्सिमम बेनिफिट हो रहा हो। वो इसमें ये नहीं देखता है कि ओवरऑल कलेक्टिवली सोशली बाकी लोगों को जो उसके साथ जुड़े हुए हैं उनको कितना फ़ायदा है नुकसान होगा इसमें, बट वो अपना डिसीजन अपने बेनिफिट अपने प्रॉफिट के लिए लेता है। तो ये सारी चीज़ें जो मानी जाती है ट्रेडिशनल फाइनेंस के हिसाब से। अब हम ट्रेडिशनल फाइनेंस की जब बात करें तो इस तरह के आदमी को जो ट्रेडिशनल फाइनेंस के हिसाब से बिहेव करता है उसको कहा जाता है रैशनल इकोनॉमिक मैन। ये जो कॉन्सेप्ट है इसके अंदर माना जाता है, अगर सारे इन्वेस्टर रैशनल इकोनॉमिक मैन होंगे तो मार्केट एफिशिएंट होगा और जो प्राइस है वो हमेशा एक अवेलेबल और रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन बताएगी। यानी कि आप प्राइस के अंदर ये नहीं देख पाएंगे कभी भी कि प्राइस इंट्रेंसिक प्राइस जो है वो ओवर या अंडर वैल्यूड है, वो हमेशा आपको करेक्ट वैल्यू डिफाइन करेगी। दूसरी बात ये है कि इसके अंदर हम नॉर्मेटिव एनालिसिस का यूज करेंगे, जिसको हम और डिटेल में आगे पढ़ने वाले, और इसके अंदर हम जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनके रैशनल सोल्यूशन डिसाइड करेंगे कि इन प्रॉब्लम्स का रेशनल सॉल्यूशन क्या हो सकता है। तो उसके लिए हम प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस का यूज़ करेंगे, प्रैक्टिकल टूल्स का यूज़ करेंगे। तो ये सब माना जाता है ट्रेडिशनल फाइनेंस के अंदर कि एक रेशनल इकोनॉमिक मैन हमेशा मार्केट में होता है और वो इस तरह की चीज़ों का यूज़ करता है, इस तरह के टूल्स का यूज़ करता है अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। ये बात हुई ट्रेडिशनल फाइनेंस की। अब अगर हम बिहेवियरल फाइनेंस की बात करें तो बिहेवियरल फाइनेंस सबसे पहले टर्म आई कहाँ से, तो देखिए जो ट्रेडिशनल फाइनेंस है वो थ्योरी बेस्ड था। ट्रेडिशनल फाइनेंस पढ़ के हमें ये तो समझ में आ गया कि मार्केट किस तरह वर्क करता है, लोगों को किस तरह उसमें वर्क करना चाहिए पैसा कमाने के लिए, लेकिन हमें ये समझ में नहीं आया कि एक्चुअल मार्केट जो है वो थ्योरी से कहाँ डेविएट कर रहा है। तो उसको समझने के लिए हमने ट्रेडिशनल फाइनेंस में ह्यूमन साइकोलॉजी एड की, उसके अंदर हमने एडेप्टिव इकोनॉमिक्स और न्यूरो इकोनॉमिक्स को ज्वाइन किया। फिर जब हमने ये तीनों को ज्वाइन किया तो हमें जो नई टर्म मिली वो थी बिहेवियरल फाइनेंस, जो ह्यूमन बिहेवियर फाइनेंशियल मार्केट्स में कैसा हो उसको दर्शाता था। अब बिहेवियरल फाइनेंस हमें किस तरह से हेल्प करता है उसको समझने में इस तरह समझेंगे कि बिहेवियरल फाइनेंस इंसान की जो कमी है जो उसे बेस्ट या एक ट्रेडिशनल फाइनेंस के रेशनल इकोनॉमिक मैन बनने से रोकती है उसको इसने आइडेंटिफाई किया, जो हम इस वीडियोज में पढ़ने वाले आगे इन पर पूरी वीडियोज होगी। तो जो एरर्स होते हैं ह्यूमंस के उसको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया, कॉग्निटिव एरर्स और इमोशनल बायस। और इनको अभी मैं ज़्यादा डिस्क्राइब इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आगे की वीडियोस में आप और देखने वाले हैं। तो यहाँ पे जो ह्यूमन एरर्स है जो उसे रैशनल इकोनॉमिक मैन बनने से रोकते हैं, उसकी वजह से जो रैशनैलिटी है वो हमेशा ऑप्टिमम नहीं होती, वो सब ऑप्टिमल लेवल पर होती है। जो बंदा रहता है वो ज़रूरी नहीं कि हर बार रिस्क एवर्स भी हो, वो रिस्क टेकिंग भी हो सकता है, रिस्क न्यूट्रल भी हो सकता है, और तीनों की डेफिनेशन हम आगे पढ़ने वाले हैं। और फिर जो तीसरा पॉइंट आता है कि वो सेल्फिश यूटिलिटी मैक्सिमाइजर हो हर बार, तो वो ज़रूरी नहीं है। कई बार क्या होता है, जैसे मान लीजिए मैं एक एज ए इंडिविजुअल देख रहा हूँ, तो मुझे पता है मान लीजिए कि आज एक शराब का स्टॉक है वो काफ़ी आगे बढ़ेगा, काफ़ी ऊपर जाएगा, या सिगरेट का स्टॉक है वो काफ़ी कमाएगा, लेकिन मुझे लगता है कि ये कंपनियाँ दुनिया में होनी नहीं चाहिए, मेरी नज़र में ये सही तरीका नहीं है। मैं एक एनवायरमेंटलिस्ट हूँ और मैं नहीं चाहता कि कोई भी जो कोई कॉल से जो बिजली बनाती है उस टाइप की जो कंपनीज है उनमें इन्वेस्ट नहीं करूँगा, भले ही वो मुझे पता है कि उनमें अंडर वैल्यूड है काफ़ी और स्कोप है प्राइस का। तो वो जो चीज़ आती कि आप सेल्फिश यूटिलिटी मैक्सिमाइजर नहीं है, वो रियल में होता है, बट ट्रेडिशनल फाइनेंस में ऐसा कॉन्सेप्ट सही नहीं माना गया। तो ये चीज़ें हमको समझनी थी।
अब यहाँ पे हम बात करें बिहेवियरल फाइनेंस की, तो बिहेवियरल फाइनेंस को भी दो पार्ट में डिवाइड किया, पहला है मैक्रो इकोनॉमिक और दूसरा है माइक्रो इकोनॉमिक। मैक्रो इकोनॉमिक बिहेवियरल फाइनेंस का मतलब यह है कि ओवरऑल जो इंडिविजुअल्स हैं उनके बिहेवियर्स की वजह से मार्केट किस तरह बिहेव करता है, एक्ट करता है, जबकि माइक्रो इकोनॉमिक बिहेवियरल फाइनेंस एक इंडिविजुअल लेवल पे होता है। तो आप अगर किसी के इन्वेस्टमेंट एडवाइजर है तो वहाँ आपको उसके जो इंडिविजुअल बिहेवियरल फाइनेंस के जो एरर्स है, कॉग्निटिव इमोशनल बायसेस है, उनसे जो डील करना होता है वो आता है माइक्रो इकोनॉमिक बिहेवियरल फाइनेंस में। और जो आपका एक डिसीजन बना है आपने किसी स्टॉक को लेकर, लेकिन वो मार्केट उसको उस तरह से देख नहीं रहा है, वो मार्केट अलग तरह से चल रहा है, आपने कई जगह बबल्स सुने होंगे, स्टॉक बबल्स वगैरह, तो वो इसलिए बनते हैं क्योंकि लोगों का जो बिहेवियर होता है वो ट्रेडिशनल फाइनेंस के कॉन्सेप्ट से अलग होता है। तो बिहेवियरल फाइनेंस से हम इतना समझ गए कि वो ट्रेडिशनल फाइनेंस से कहीं ना कहीं लैग करता है। ट्रेडिशनल फाइनेंस हमेशा आइडियल चीज बताता है, तो उस आइडियल चीज तक पहुँचने के लिए ये जो ह्यूमन एरर्स है इन सबको रोकने के लिए क्या करना चाहिए। तो राफा ने एक फ्रेमवर्क दिया था कि सबसे पहले आप नॉर्मेटिव एनालिसिस करो, जो हमने पहले बात की थी, जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन होता है एक रेशनल इकोनॉमिक मैन करेगा। तो रेशनल इकोनॉमिक मैन को देख के हम नॉर्मेटिव एनालिसिस करते हैं कि भैया एक्चुअली में मार्केट में आपको किस तरह के डिसीजन लेने चाहिए, किस तरह के हमें प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन निकालने चाहिए, किस तरह के स्टॉक में एक्चुअली इन्वेस्ट करना चाहिए। फिर आप डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस करो, एक्चुअल में देखो कि एक्चुअल बंदा जो रियल पर्सन है, जो रेशनल इकोनॉमिक मैन नहीं है, वो किस तरह का डिसीजंस ले रहा है। अब ये दोनों जब आपने देख लिया तो आप एक प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस बार करते हैं। इसके अंदर आप ऐसे टूल्स क्रिएट करते हैं, ऐसे एडवाइजर्स क्रिएट करते हैं, जिससे आप उस एक ह्यूमन को, रियल ह्यूमन को, जो डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस के हिसाब से, जो बिहेवियरल फाइनेंस के हिसाब से डिसीजन ले रहा है, उसको आपको लाना है ट्रेडिशनल फाइनेंस के, रेशनल इकोनॉमिक मैन के लेवल पे। और ये प्रैक्टिकली इट्स नॉट पॉसिबल, बट हमें उस जो गैप है उसको ज़्यादा से ज़्यादा कम करना है, तब जाके आप उसको सामने वाले बंदे का एक्चुअल बेनिफिट करा पाएंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस, जो एक्चुअल बिहेवियर और जो नॉर्मेटिव आइडियल है उसके बीच को, दूरी को कम करने के लिए किस तरह हम इनका यूज कर सकते हैं वो करता है, उसमें हेल्प करता है प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस। तो यहाँ पे अब हम फिर से जब ट्रेडिशनल फाइनेंस की बात करेंगे तो ट्रेडिशनल फाइनेंस के अंदर सबसे मेन थ्योरी आती है एक यूटिलिटी थ्योरी, जो हमें इस टॉपिक के अंदर पढ़ने को मिली है। अब हमें ये थ्योरीज इसलिए पढ़नी है क्योंकि आगे जाके जब हम बिहेवियरल फाइनेंस की थ्योरीज की बात करेंगे तो हम वहाँ पे भी देखेंगे कि यूटिलिटी थ्योरी से ये कहाँ बदल जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले यूटिलिटी थ्योरी ट्रेडिशनल फाइनेंस के हिसाब से क्या होती है। पहला पोस्टुलेट है इसका, पहला एग्जाम है कि कंप्लीटनेस। कंप्लीटनेस का मतलब कि इंडिविजुअल की जो चॉइसेस है वो वेल डिफाइंड होती है, जैसे उसे 10 रुपये और 20 रुपये में से हमेशा वो 20 रुपये ही चुनेगा, मीन्स उसकी चॉइसेस वेल डिफाइंड है, लेकिन रियल वर्ल्ड में ऐसा नहीं होता है। अब इसका मैं एक किस्सा भी है कि एक बंदा था, उसको सब बेवकूफ़ मानते थे, उसको डम्ब मानते थे, और उसके अंदर क्या करते थे, उसको 2 कॉइन्स देते थे, 1 रुपीज़ का और 2 रुपीज़ का, और उससे बोलते थे कि आप इनमें से एक चूज करो, वो हमेशा 1 रुपये का चॉइस करता था। अब उसको देख के फिर सब हंसने लग जाते थे। तो एक दिन एक बंदे को लगा कि यार इसके साथ हमेशा मजाक बन रहा है, तो इससे जाके मैं पूछता हूँ, इसको बताता हूँ कि देख 2 रुपये का जो 2 रुपीज़ का सिक्का है वो बड़ा है 1 रुपीज़ से, तो तू 2 चीज़ क्या कर जिससे लोग हंसेंगे। तो जो बंदा है वो जवाब देता है कि मुझे पता है ये 2 रुपीज़ का कॉइन 1 रुपीज़ से बड़ा होता है। तो बोले फिर तू 1 क्यों चूज करता है, बोले जिस दिन मैंने 2 चूज़ कर लिया अगली बार से वो मुझसे ये सवाल पूछेंगे ही नहीं, और मुझे मेरे जो 1 रुपये आता रहता है हर बार इस सवाल से, जो ये हंसते हैं इसको देख के और मुझे 1 रुपीज़ दे देते हैं फ्री में, वो आना बंद हो जाएगा। तो आप ये समझ रहे हैं कि यहाँ पे उसकी जो चॉइसेस है वो रियल वर्ल्ड के हिसाब से, एक ट्रेडिशनल फाइनेंस के हिसाब से गलत है, बट वो एक बहुत ही लॉजिकल चॉइस है। तो वो चीज़ जो होती है कंप्लीटनेस, वो ट्रेडिशनल फाइनेंस में अज्यूम होता है, बट यहाँ पे बिहेवियरल फाइनेंस उससे अलग हो सकता है। तो अब हम बाकी के पोस्टुलेट्स बात करें तो दूसरा होता है ट्रांजिटिविटी। उसके अंदर क्या है कि मान लो ए के ऊपर आप बी के ऊपर ए को प्रेफर कर रहे हैं और सी के ऊपर बी को प्रेफर कर रहे हैं, तो आप, क्योंकि सी आपका बी से भी कम प्रेफर्ड था जो कि ए से कम प्रेफर्ड है, तो ए आप हमेशा सी से भी प्रेफर करेंगे। मतलब आप 20 रुपये को 10 रुपये से ज़्यादा मानते और 10 को 5 रुपये से ज़्यादा मानते, तो आप 20 को भी 5 रुपये से ज़्यादा ही मानेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ मनी के टर्म्स में समझ रहे इसलिए ईजी लग रहा है, बट प्रैक्टिकली ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं जिसमें आप कंपेरेटिव जब करते हैं तो आपको ए बी के ऊपर प्रेफर होता है, बी सी के ऊपर प्रेफर होता है, बट जरूरी नहीं कि ए सी के ऊपर प्रेफर हो इस पोजीशन से, बट
ट्रेडिशनल फाइनेंस में ट्रांजिटिविटी माना गया है। उसके अलावा माना जाता है ट्रेडिशनल फाइनेंस में कि इंडिपेंडेंस होती है, यानी कि एक पर्सन की जो प्रेफरेंस है वो सेम चीज अगर उनमें कुछ ऐड हो गई तो उसकी वजह से वो चेंज नहीं होगी। जैसे कि क्या हुआ कि मान लीजिए 10 रुपये और 5 रुपये या ए और बी है, अब इनमें सी का कुछ हिस्सा मान लीजिए सी 2 रुपीज़ है, तो सी का 50% 1 रुपये अगर ऐड किया दोनों में 1 मंथ, तो उससे उनकी टोटल वैल्यू में 1 ही ऐड होगा, तो जो पहले से बड़ा था वो बाद में भी बड़ा ही होगा। उसी तरह ए में अगर सी का कुछ हिस्सा ऐड किया और उतना हिस्सा हमने बी में किया, तो उससे अगर आप पहले ए प्रेफर करते थे तो वो बदल नहीं जाएगा, आप बाद में भी ए ही प्रेफर करेंगे। कंटिन्यूटी का मतलब होता है कि कोई डिफरेंस, जो आपकी जो चेन है वो कंटिन्यूस रहती है, मतलब कि आप ए और सी के बीच में बी को प्रेफर कर रहे हैं या 10 और 20 के बीच में 15 आ रहा है, तो ए और सी का डेफिनेटली कोई ऐसा कॉम्बिनेशन होगा जो बी के बराबर होगा, यानी 10 और 20 का कोई डेफिनेटली ऐसा कॉम्बिनेशन होगा जो मिलके 15 बना है। 50% ऑफ 10 ले, 50% ऑफ 20 ले, तो दोनों का सम कितना हो जाएगा 15, तो वो जो चीज़ है उसको कंटिन्यूटी बोला जाता है। तो ये चारों पोस्टुलेट्स थे, चारों एग्जाम्स थे जो हमें यूटिलिटी थ्योरी में पढ़ना है, और यूटिलिटी थ्योरी आपको याद रखनी चाहिए क्योंकि एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। तो अब हम थोड़ा अलग हट रहे हैं, यूटिलिटी थ्योरी के पोस्टुलेट्स पे ही काम करते हुए बनाई गई है बायस थ्योरम। बायस थ्योरम स्टैटिस्टिक्स में, मैथमेटिक्स में, प्रोबेबिलिटी में बहुत यूजफुल होती है, और यही वो फाइनेंशियल मार्केट्स के अंदर भी बहुत यूजफुल होती है, स्पेशली कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बारे में जब हम कॉन्सेप्ट लेते हैं। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी मतलब आपको एक इन्फॉर्मेशन पता है, जब आपको नई इन्फॉर्मेशन आती है तो उसको आप किस तरह पर प्रोबेबिलिस्टिकली एडजस्ट करते हैं वो आइडेंटिफाई करने के लिए बेस थ्योरम का यूज़ होता है। तो सबसे पहले जो अज्यूम किया जाता है इस बेस थ्योरम में, वो अगर हम पढ़े सारे जो यूटिलिटी थ्योरी के एग्जाम्स हैं वो हम एडेयर करेंगे, और फिर जो है प्रोबेबिलिटी जो है वो हमेशा एक पॉसिबल इवेंट के लिए दी जा सकती। और तीसरा पॉइंट है कि कोई भी न्यू इन्फॉर्मेशन है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की, तो वो बायस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ही इनकॉर्पोरेट हो। और चौथा है कि हर बंदा जो है वो मैक्सिमाइज करना चाहता है हमेशा अपनी यूटिलिटी को, सब्जेक्ट टू कंस्टेंट जो भी उसको मिल रही है। तो यहाँ पे ये बात होगी, अब इसका एग्जाम्पल देंगे तो हमें थोड़ा इजीली समझ में आएगा कि एक्चुअली फॉर्मूला क्या है। तो फॉर्मूला आपको दिख रहा है कि पी ए गिवन बी इज इक्वल टू पी बी गिवन है, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन है इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब यहाँ पे फॉर्मूला से अगर हमें समझ में नहीं आ रहा है तो हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास दो बॉक्सेज है, बॉक्स वन में हमारे पास 2 रेड बॉल्स है और 3 ब्लू बॉल्स है, जबकि बॉक्स टू में हमारे पास 4 रेड बॉल्स और 1 ब्लू बॉल है। अब इसके हिसाब से अगर मुझे पहले से ही पता है कि मैंने जो बॉल निकाली है वो बॉक्स वन से निकाली है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि वो बॉल रेड बॉल हो? तो देखिए हमें पता है कि 5 टोटल बॉल्स है और 2 उनमें से रेड बॉल है बॉक्स वन में, तो यानी कि 40% चांस है कि आप जो बॉल निकाल रहे हो वो रेड बॉल होगी। तो ये एक प्रोबेबिलिटी है पी आर गिवन, यानी मुझे पता है गिवन दैट आई हैव बॉक्स वन, तो मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कलर बॉल निकालनी है। दूसरी है प्रोबेबिलिटी कि हम बॉक्स वन ही सिलेक्ट कर रहे हैं, वो कितनी है 50%, क्योंकि 2 बॉक्स है 2 में से 1 सेलेक्ट करना है 50%, तो वो हो गई पी बी वन। तीसरी जो चीज़ है वो है कि रेड बॉल की टोटल प्रोबेबिलिटी क्या है, यानी पी आर, तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है दोनों बॉक्स मिला के 10, और टोटल नंबर ऑफ रेड बॉल्स है 6, यानी 60%। तो इस हिसाब से मान लीजिए अब मुझे पी बी वन आर, यानी कि मुझे गिवन है कि मैंने रेड बॉल निकाली है, तो मैंने वो बॉक्स वन से निकाली होगी, वो कैसे कैलकुलेट करूँगा? तो देखिए टोटल रेड बॉल है 6, बॉक्स वन से निकालने में कितनी मिलनी है 2, तो 6 में से 2 बॉल ऐसी है जो बॉक्स वन से निकल सकती है और 4 ऐसी है जो बॉक्स टू से निकल सकती है, तो 33% चांस है कि आपने अगर रेड बॉल निकाली है तो वो बॉक्स वन में से हो, और 67% चांस है कि वो बॉक्स टू में से हो। अब यही अगर हम बायस थ्योरम का फॉर्मूला लगाए तो वही बात होती है, आर गिवन बी वन यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ आर गिवन बी वन है 40% इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी वन है 50%, तो ये कितना हो गया 20% डिवाइडेड बाई 60% प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, तो ये हो गया 33.33% जो हमने ऐसे ही कैलकुलेट किया था। तो जो बॉयज थ्योरम वो बेसिकली लॉजिक पे डिपेंड है, डिपेंड करती है, बट इस तरह का फॉर्मूले से आपको जब कॉम्प्लेक्स सिचुएशन आएगी, जब आप इजिली इसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, तो इस फॉर्मूले का काफ़ी हेल्प लगती है। तो इसी को अगर हम एक प्रोबेबिलिटी ट्री के हिसाब से देखें तो पर्सन ने 2 बॉक्स चूज किए, दोनों की प्रोबेबिलिटी कितनी कितनी 0.5 0.5। अब पहले में रेड की प्रोबेबिलिटी है 40%,
ब्लू की प्रोबेबिलिटी 60%, दूसरे में रेड की प्रोबेबिलिटी 80%, ब्लू की प्रोबेबिलिटी है 20%। इस हिसाब से प्रोबेबिलिटी कि रेड बॉल है ओवरऑल और वो बॉक्स वन से वो 20% होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल एंड बॉक्स वन इज 30%, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड एंड बॉक्स टू इज 40, एंड सिमिलरली ब्लू एंड बी टू इज 10%। इस तरह का ट्री बना के जब कैलकुलेशन करेंगे तो हमें ये थोड़ा इजी पड़ जाएगा, बाकी इसमें और कुछ नहीं। क्योंकि देखिए आपने ये जब दिया पी आर गिवन बी वन इंटू बी वन तो वो 20% यहाँ से इजीली मिल जाता, 60% वो ये इसका 20% और इसका 40% सब कहो क्या हो जाता, तो आपको यहाँ पे 33% कैलकुलेशन इजी हो जाती। अब आगे बढ़ते हैं तो अब हम बात करेंगे रिस्क एवर्जन की। तो रिस्क एवर्जन का मतलब क्या होता है, देखिए सबसे पहले आपको मान लीजिए एक ऑप्शन दिया गया कि आपको या तो 150 डॉलर फॉर श्योर मिलेगा, और दूसरा ऑप्शन है आपके पास क्या आपको 50% चांस है कि 200 डॉलर मिल जाए, 50% चांस है कि आपको 100 डॉलर मिल जाए, एक तरह का गैम्बल, तो आप किस तरह का चूज करेंगे। तो रिस्क एवर्स इन्वेस्टर क्या होता है, वो इस बात से ज़्यादा डरेगा कि मुझे 100 मिल सकता है रादर देन इस बात से खुश होने के कि मुझे 200 मिल सकता है, यानी उसके हिसाब से एक जो शॉर्ट है 150 का वो 200 और 100 के बीच की 50% प्रोबेबिलिटी से ज़्यादा वैल्यू रखता है। मैथमेटिकली ये दोनों बराबर है, बट रिस्क एवर्स इन्वेस्टर के हिसाब से 150 शॉर्ट की वैल्यू 200 और 100 की प्रोबेबिलिटी वाले केस से ज़्यादा वैल्यू रखती है। ऐसा लग रहा होगा ऊपर 200 और 100 है, इसका मतलब कि वेटेज 150 का ज़्यादा है। बात करें अगर रिस्क सीकिंग इन्वेस्टर की जो कि बहुत ज़्यादा रिस्क लेना चाहता है, तो उसके लिए ये जो प्रोबेबिलिटी वाला केस है वो दूसरे केस से ज़्यादा वैल्यू रखता है। अब रिस्क सीकिंग बिहेवियर कहाँ आता है, देखिए जो 0 और 1 करोड़ 0 और 1 लाख वाले जो लॉटरी गेम्स होते हैं, आपने 20 रुपये का टिकट है, शॉर्ट 20 आपके बच रहते हैं, अगर आप लॉटरी टिकट नहीं लेते वो आप कहीं और यूज़ कर सकते थे, आपने वो लेने की बजाय वो 0 और 1 करोड़ वाला लिया, प्रोबेबिलिटी के हिसाब से भले वो ज़्यादा वैल्यू ना रखता हूँ बट यहाँ पे उसने वो 1 लाख रुपए लेने की रिस्क ली, उसको लग रहा है कि वो ज़्यादा वैल्यू रखेगा, तो वो टाइप के जो इन्वेस्टर होते हैं वो रिस्क सीकिंग होते हैं कि बड़ा तो बड़ा नहीं बड़ा तो 0 हो जाए कोई बात नहीं। अब रिस्क न्यूट्रल कौन होते हैं जिनके लिए इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि एक्चुअली में मैथमेटिकली इनमें कोई डिफरेंस नहीं, वो कहलाते हैं रिस्क न्यूट्रल इन्वेस्टर। तो ट्रेडिशनल फाइनेंस के हिसाब से इन्वेस्टर रिस्क एवर्स होता है, बट बिहेवियरल फाइनेंस के हिसाब से ये ज़रूरी नहीं वो हर बार रिस्क एवर्स हो। जैसे मैंने आपको लॉटरी का एग्जाम्पल दिखाया जहाँ पे वो रिस्क सीकिंग हो सकता है, और ऐसे भी कई एग्जाम्पल होते हैं जहाँ पे वो रिस्क न्यूट्रल हो, क्योंकि कई बार इंसान चूज नहीं कर पाता कि मैं ये करूँ या ये करूँ इन दोनों ऑप्शन में, तो वो इसी वजह से होता है क्योंकि वो एक्चुअली में मान रहा है कैलकुलेशन कुछ भी लो बराबर ही, तो ये चीज़ बात हमें पढ़नी थी। अब इस बेसिस पे जब हम यूटिलिटी फंक्शन बनाते हैं रिस्क न्यूट्रल का, रिस्क एवर्स का और रिस्क सीकिंग का, तो रिस्क न्यूट्रल का जो यूटिलिटी फंक्शन बनता है वो वेल्थ के साथ बढ़ता जाता है कॉन्स्टेंट तरह से, क्योंकि जैसे जैसे 1-1 रुपये बढ़ेगा उसके हिसाब से उसकी वैल्यू उतनी बढ़ेगी, बट जो रिस्क एवर्स है उसके अंदर डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी होती है, जो आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा हो। डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब ये है कि जैसे जैसे पैसा बढ़ेगा उसकी वैल्यू उसके लिए कम होती जाएगी, जबकि रिस्क सीकिंग के लिए जैसे जैसे पैसा बढ़ेगा उसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। अब यहाँ पे जो बात है ये है कि ट्रेडिशनल फाइनेंस मानता है कि ये जो कॉनकेव फॉर्म है रिस्क एवर्स इन्वेस्टर का, ये ट्रू है, हर इन्वेस्टर या हर इंडिविजुअल ऐसे ही बिहेव करता है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में। बट आप रियल लाइफ में देखिए ये बात सही है कि किसी बंदे को आपने 1 गिलास पानी दिया, उसकी यूटिलिटी ज़्यादा थी, उसे प्यास लग रही थी, आप जब उसे दूसरे गिलास पानी देंगे तो वो उतना पानी पीने का इच्छुक नहीं होगा, तीसरे गिलास तो वो साफ मना ही कर सकता है, तीसरी पी भी ली तो चौथी तो बिल्कुल नहीं पिएगा, तो ये चीज़ होगी कि उसकी यूटिलिटी कम हो गई उस पानी की। लेकिन जब आपके पास पैसा आता है, क्या आपने दुनिया में कोई ऐसा आदमी देखा है जो ज़्यादा पैसा आता है तो वो मना कर देता है कि नहीं अब मैं नहीं ले सकता इस पैसे को, अब लग्जरी की तरफ जाते हैं बढ़ते जाते हैं, कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसके लिए पैसा उसको कम उसको ज़्यादा पड़ रहा हो या वो मान रहा हो कि हाँ भैया इससे ज़्यादा मुझे मिलेगा तो मैं नहीं लूँगा, मेरी वैल्यू एकदम ख़त्म हो जाए। तो वो जो चीज़ है वो रिस्क एवर्स पर्सनैलिटी हर जगह काम नहीं करती रियल वर्ल्ड में,
वही हमें समझना था। तो यहाँ पे इस एलओएस में इतना ही था फ्रेंड। इस वीडियो को आप प्लीज ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें और इस सीरीज के बारे में पूरा बताएं, क्योंकि ये काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। और आपको ये वीडियो कैसा लगा ये प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं, और इसे मैं कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ इसमें भी मेरी हेल्प करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।